हेलो फ्रेंड, आज हम समझेंगे फिक्स्ड एसेट्स एंड द कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स जो है वो परमानेंट नेचर के होते हैं। परमानेंट नेचर से मुराद ये कई सालों तक रहते हैं, कई सालों तक इनसे सर्विसेज हासिल की जाती है। मिसाल के तौर पे प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, व्हीकल वगैरह हैं। और फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं इनको हम इस तरह प्रेजेंट करते हैं, कॉस्टलेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसको रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहा जाता है। यानी कि जो भी हमारी कॉस्ट है उसमें से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को निकाल देंगे। यानी हम डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करते हैं, हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होती है फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। पिछले एक दो साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, सपोज करें 20,000 रुपये, 10-10 हज़ार रुपये चार्ज हुई, और एसेट ख़रीदा है 1 लाख का। तो ऐसे सिचुएशन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 साल की हुई 20,000 रुपये, तो हम जो है वो 1 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे। 1 साल की डेप्रिसिएशन है 10,000, लेकिन 2 साल की हो गई 20,000। हम सिर्फ 10,000 को माइनस नहीं करेंगे बल्कि हम 20,000 को करेंगे, तो हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। अब देखते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अगर कोई एसेट बन के तैयार नहीं हुआ, जब बैलेंस शीट बन रही है, तो तमाम जो उसके ऊपर कॉस्ट लगी है, लागत आई है, वो ट्रांसफ़र हो जाएगी एक अकाउंट में, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। उसको हम एसेट अकाउंट में नहीं लिखेंगे, बल्कि वो कॉस्ट सारी की सारी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगी, क्योंकि एसेट अभी कंप्लीट नहीं हो रहा, अभी उस पर काम चल रहा है। उस अकाउंट को सेपरेटली बैलेंस शीट में शो किया जाता है फिक्स्ड एसेट्स के नीचे। अब फिक्स्ड एसेट में तो उसको नहीं शो किया जा सकता क्योंकि वो अभी बन के तैयार नहीं हुआ, लेकिन उसको अलग से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से उसके नीचे शो किया जाएगा। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में तो वो तमाम के तमाम एक्सपेंसेस शामिल हैं जो कि एसेट्स में आ रहे हैं, बनने में आते हैं। अब जब वो एसेट्स बन के तैयार हो जाता है, तो फिर तमाम जो कॉस्ट होगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी रिलीवेंट एसेट अकाउंट में। जो भी एसेट बन जाएगा, मशीनरी बनती है तो फिर उसको मशीनरी के अकाउंट में डाल देंगे, व्हीकल बन रही है अगर तो फिर व्हीकल के भी अकाउंट, मतलब जो भी अकाउंट रिलीवेंट होगा फिर वो उस अकाउंट के अंदर चली जाएगी वो सारी कॉस्ट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से हट के।